press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राउंड वर्ल्ड न्यूज। बता दें कि सलमान खान ने ईद 2020 पर धमाका करने के लिए कमर कस ली है। कुछ वक्त पहले रिलीज हुई उनकी फिल्म भारत को दर्शकों ने पसंद किया और अब फैंस को उनकी अगली फिल्म दबंग 3 की रिलीज का इंतजार है। लेकिन इस फिल्म से ज्यादा सलमान अगली ईद के इंतजार में है, जिस पर वे एक बड़ी एक्शन फिल्म लेकर आएंगे। बता दें कि सलमान निर्देशक प्रभुदेवा के साथ एक धमाकेदार एक्शन फिल्म बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसे अगले साल ईद पर रिलीज किए जाने का प्रोग्राम है। बता दें कि प्रभुदेवा दबंग 3 को भी डायरेक्ट कर रहे हैं। अब यह एक्शन फिल्म न तो वांटेड का सीक्वल है और न ही किक 2। जाहिर है कि कोई और ही फिल्म होगी, जिसे लेकर अभी तक इतना सस्पेंस बनाकर रखा गया है। मीडिया रिपोर्ट काम ने तो कहना है कि सलमान एक या दो दिन में अपनी इस फिल्म की अनाउंसमेंट करेंगे। इतना ही नहीं, इस फिल्म के ज्यादातर एक्शन सीन्स और स्टंट सलमान खुद ही करेंगे। बता दें कि अब सलमान की यह एक्शन मसाला फिल्म कौन सी होगी, यह तो जल्द ही पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि यह फिल्म कोरियन क्राइम ड्रामा वेटरन का हिंदी रीमेक हो सकती है। सलमान इस फिल्म में एक अंडरकवर कॉप का रोल प्ले कर सकते हैं। वैसे हाल ही में उन्होंने दबंग 3 का मोशन पोस्टर शेयर किया, जिससे फैंस की उत्सुकता और भी बढ़ गई है। यह फिल्म 20 दिसंबर को रिलीज होगी, जिसमें सोनाक्षी सिन्हा नजर आएंगी। वहीं साउथ फिल्मों के स्टार किचा सुदीप विलन के रोल में देखेंगे। दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या राय है वे कमेंट करके हमें बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। इस चैनल के साथ बने रहे।